Everyone, today we will solve exercise 11.1 from question number 4 to 7. इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर दिया था, है ना, कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आज हम पेपर पर करेंगे पिछले वीडियो की तरह, और आज ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश क्या करेंगे 4, 5, 6, 7. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड द क्वेश्चन 4 इज, ओके, क्वेश्चन 4 इज कंस्ट्रक्ट एन आइसोलेसिस ट्राइंगल हुज बेस इज 8 cm एंड एल्टीट्यूड 4 cm एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 1 whole 1/2 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स. पहले ही समझते हैं, देखो 1 whole 1/2 का मतलब कितना हो गया, 2 1 जा 2 और 1 3, 3 by 2 टाइम्स हमें इसकी साइड्स बनानी है. वही है सेम कल की तरह जितने कल करे थे. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेस दे रखा है, बेस कितना दे रखा है हमें 8 cm. तो कंपास, सॉरी रूलर की हेल्प से सबसे पहले 8 cm का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो. ये जीरो से रखा, जीरो से 8 तक ये आ गया, ओके 8 cm. तो ये तो इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं, कुछ भी डाल दो, बी सी डाल दी मैंने, बी सी, ये 8 cm हो गया, ओके. अब इसमें क्या देखा, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, दो साइड्स इक्वल हो बेस के अलावा, तब ऐसा ट्राइंगल को जिससे दोनों साइड्स इक्वल होंगी. लेकिन हमें क्या देखा, एल्टीट्यूड 4 cm. तो एल्टीट्यूड आइसोलेस का क्या होता है, बेस का बाइसेक्टर. तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आप लोगों को आता होगा, अगर किसी को नहीं आता भूलिए तो ध्यान रखो. क्या करते हैं, जितनी लाइन सेगमेंट है 8 है तो हाफ से अधिक डिस्टेंस लेंगे, यानी कि 4 से अधिक डिस्टेंस, कितनी भी ले लो आपकी मर्जी है, और हाफ से अधिक डिस्टेंस ली हमने ये. अब बी पर कंपास रखो और एक आर्क ऊपर लगाओ, सेम रेडियस से एक आर्क नीचे, पहले थोड़ा बड़ा आर्क लगा दो जिससे कि इंटरसेक्ट रहे. होता क्या, छोटा आर्क लगा देते हैं बच्चे लोग, फिर कम करता है. एक आर्क ऊपर लगाया सी पॉइंट से और उसी डिस्टेंस से एक आर्क नीचे. आप चाहें तो जो बड़े आर्क हैं इसको इरेज कर सकते हैं, और ना चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इरेज करने में सही है, ज़्यादा बड़ा आर्क अच्छा नहीं लगता देखने में. अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है याला आर्क और याला आर्क, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, मैं आराम से देख के करूँगा इसलिए, ओके ये हमने ज्वाइन कर दिया, ओके. जो बी सी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको कुछ नेम दे दो, एम एन ओ बी डी, मैंने डी दे दिया, डी. अब जो एल्टीट्यूड दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ देखो एल्टीट्यूड इज 4 cm. तो इस मिड पॉइंट से 4 cm का आर्क लगा दो आप. तो पहले हम 4 cm लेते हैं, ये 4 पर, और देखिए ये 4 हो गया एक्यूरेट, है ना, 0 से लेके 4 तक दिख रहा होगा आपको. अब इसको कंपास को हम इसके बी सी के मिड पॉइंट पर, यानी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा था जिस पॉइंट पर, उस पर, और एक आर्क लगाया थोड़ा सा ऊपर आया है आर्क के ऊपर से, कोई फर्क नहीं है. तो ये पॉइंट जो आ गया, ये ध्यान रखना जो आर्क लग रहा था बाइसेक्टर से ऊपर वाला पॉइंट है याला, ये पॉइंट हो गया ए. अब क्या करेंगे, ए बी को और ए सी को ज्वाइन कर दें, ज्वाइन ए बी एंड ज्वाइन ए सी. तो ये आइसोलेसिस ट्राइंगल हो गया, है ना. मेजर करके देख लेते हैं, ये देखो कितना है, 5.6 करीब है, और ये देखो ये भी 5.6 एकदम है, देखो ये देखो 0.5, 0.5.6, और इसको भी चेक करा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए 5.5 यहाँ तक एक डिजिट आ गई, तो 5.6 आइसोलेशन दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल आ गई. ये तो ट्राइंगल रहा, बाकी काम तो बहुत अच्छे से सीख दी, बस ये हमें ट्राइंगल करना था मेन, कि इसका परपेंडिकुलर दे रखा हो. अब हमने क्या करा था, सबको रट गया अब तक, तो 3 क्वेश्चन बचे, चौथा ये आ जाए. क्या करते थे, बी से एक एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो. ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, इसको हमने नाम दे दिया बी एक्स, एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन सेगमेंट. अब फ्रैक्शन जो है 3/2, इसमें हमने क्या बताया था, जो भी बड़ा है नोमिनेटर बड़ा हो चाहे छोटा, कौन सा बड़ा है नोमिनेटर, तो 3 है. तो कंपास में कितनी भी रेडियस ले लो मर्जी है, और कितने आर्क लगाएंगे, कितने लगाते थे बड़े वाली संख्या के बराबर, यानी कि 3. बी से स्टार्ट शुरू करेंगे, और हमने एक आर्क लगाया, फर्स्ट आर्क हो गया ये, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है अब उस पर कंपास रखनी, उस पॉइंट पर. ये सेकंड आर्क हो गया, अब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पर रखनी है, और ये थर्ड आर्क हो गया,
ओके इक्वल आर्क हैं, तो इसको नेम दे दिया हमने बी वन, इसको नेम दे दिया बी टू, इसको नेम दे दिया बी थ्री। कैसे आर्क होते हैं, इस तरह के होते हैं, बी वी वन इक्वल टू होता है, बी वन वी टू इज इक्वल बी टू बी थ्री, ये तीनों आर्क आपस में इक्वल होते हैं। अब हमें ध्यान रखना है हम बी टू से मिलाएंगे बी थ्री से, तो क्या बताया जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है टू, तो बी टू से लास्ट पॉइंट यानी कि सी को ज्वाइन करेंगे। अगर रिवर्स होता टू बाई थ्री होता तो बी थ्री को सी से इससे पहले सॉल्व करे थे, आप इससे पिछला वीडियो देख लेना, तो थ्री अपॉन टू अपॉन में क्या टू, तो बी टू को सी से ज्वाइन कर दो। बी टू ध्यान रखना, बी टू ये है आर्क वाला पॉइंट ना कि ये, तो आर्क यहाँ कट कर रहा है, देखो ये है ना, ये दोनों पास पास नहीं, जल्दी बाजी यहाँ लगा दो गलत हो जाएगा, तो सी से जहाँ आर्क बी टू आर्क था, बी टू आर्क यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो मैंने जूम करके दिखा रहे हैं, मेरी बेटी आपका वीडियो ना थी मैंने बता दी रहा, वो अच्छे से वीडियो ना लेती है, वो थोड़ा सा मेरी आईसेट वीक है, थोड़ा ऊपर लेप हो गया, नो प्रॉब्लम चलेगा है ना, तो समझ में आ गया आप लोगों को। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, अब क्या करें, थ्री बाई टू क्या है वन से बड़ा, तो ये ट्राइंगल सी बड़ी साइड्स बनेगी, तो इन दोनों साइड्स को थोड़ा प्रोसीड कर दो, प्रोड्यूस मैंने बढ़ाना, प्रोसीड कर हमने बी ए को आगे बढ़ा दिया और बी सी को भी आगे बढ़ा दीजिए, ये आगे बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, क्या करना है देखो, इससे बी थ्री से बी टू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक जो भी पॉइंट आएगा करते हैं, चलो कल पैरेलल लाइन ड्रॉ करना भी सिखाया था हमने, क्या करा था कंपास में इस लाइन के पैरेलल बी थ्री पॉइंट से करना है, तो पैरेलल लाइन क्या होते हैं करस्पोंडेंस एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए हम ये एंगल बनाते हैं। एक दूसरा तरीका और होता है सेट स्क्वायर की हेल्प से, हो सकता है किसी ने सेट स्क्वायर की हेल्प से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सीखा हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही है इक्वल आर्क बनाओ। तो जितनी रेडियस का यहाँ एंगल बनाया है, जिस पॉइंट से हमें पैरेलल ड्रॉ करनी है बी थ्री से, तो सेम रेडियस का एक आर्क बी थ्री से लगाएंगे, ओ ये लगा दो, लग गया, बहुत है, ठीक है ना। फिर क्या बताया था, इस आर्क से मैंने कल भी दिखाया था कंपास को रख के, और इसे यहाँ तक धीरे धीरे उड़ाओ जितनी डिस्टेंस ना आ जाए, कौन सी डिस्टेंस अभी मैं दोबारा दिखाता हूँ रख के, देखो इस पॉइंट से लेके आर्क जहाँ तक लग रहा है, थोड़ा सा कम है और बढ़ा देता हूँ जाएगा आपको यहाँ तक, ओके, और कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से ये लगा दिया, दिख रहा होगा आपको है ना, हमें बी थ्री से और ये पॉइंट मिला देना, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो बी टू सी के पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो हमने क्या करा, अब जो बी थ्री पॉइंट था ये अलग, और ये हमने जो आर्क लगाए थे इक्वल एंगल जो बनाए थे, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाओ जब तक इस लाइन को ना मिल जाए, हो गया, तो ये पॉइंट होगा सी डैश बी थ्री सी, और ये होगा क्या बी थ्री सी डैश पैरेलल होगी बी टू सी, लिखना नहीं है तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। पैरेलल क्यों होगी, देखो हमने ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके करस्पोंडेंस एंगल इक्वल होते हैं ना, इसका अपोजिट यानी कि रिवर्स यानी कि कन्वर्जेंस, कन्वर्स क्या है, अगर ये एंगल इस एंगल की इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो पैरेलल होंगी, चिकित्सा खत्म। अब सेम चीज़ हमें सी डैश से करनी है, सी डैश से हमें सी ए के पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो यानी कि एक एंगल बनाए यहाँ, कोई भी रेडियस ले लो, लंबा क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, इसके बाद तीन क्वेश्चन बचे हैं अभी, तो हमने ये लिया और एक आर्क लगा दिया, ओके अब मैं थोड़ा जल्दी से कर दे रहा हूँ क्योंकि सेम उसी तरह जैसे बनाया था, अब हमने सी डैश से लेकर एक आर्क लगाया सेम रेडियस का, अब क्या करना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, कहाँ से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेनी है, और ये हो गया, ठीक है थोड़ा कम होगा, कम हो गया, अब इसको यहाँ से रख के एक आर्क लगा देना है, हमें क्या करना है कुछ नहीं, सी डैश और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, सी डैश और इस पॉइंट को, सी डैश जीरा और यहाँ पर जो आर्क मिले थे, अब ये पॉइंट हो गया ए डैश, तो बन गया बड़ा ट्राइंगल, कौन सा ए डैश बी सी डैश, ये बड़ा जो दिख रहा है ऊपर वाला है ना ये वाला, देखो ये ए डैश बी सी पूरा बड़ा वाला, ये हो गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, यही ट्राइंगल हमको कंस्ट्रक्शन करना था, तीन क्वेश्चन को हम क्वेश्चन फाइव करें। नाउ क्वेश्चन फाइव,
ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी विथ ए विथ बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 एंड ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, वही है। उसके बाद हमें एक ट्राइंगल बनाना है, सिमिलर ट्राइंगल जिसकी साइड 3/4 हो। तो देखो एक बना के बता देता हूँ मैं, हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें हमें बी सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 60 डिग्री एंगल बी और ए बी 5। तो सबसे पहले करेंगे बी सी, चलो स्टार्ट करते हैं फेयर। तो सबसे पहले बेस बी सी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, तो हमने बी सी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है ना, इसको नाम दे दिया बी सी, एंगल भी 60 डिग्री, अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सबसे पहला एंगल ही 60 डिग्री बनता है, पता है नहीं बहुत से तो ये एंगल ही भूल जाते हैं, मुझे गुस्सा आता है, कहते हैं सर 60 डिग्री एंगल कौन सा बनता है, फिर तो मन होता है एक प्यार से चपत लगा दूँ, प्यार से तो कह रहा हूँ असली में गुस्से से मन करता है तो 60 डिग्री क्या होता है, यहाँ से रख के ये बस पहला एंगल 60 डिग्री और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट, जब कंस्ट्रक्शन आता है तो स्टेप लिखने होते हैं, स्टेप मैंने लिख रहा है ना, स्टेप तो लिखना जानते होंगे, कुछ बच्चे स्टेप में गलती कर देते हैं, इसको कुछ नाम डाल देने, मान लो बी एम दे दिया मैंने, चलो है ना 60 डिग्री एंगल बनाती हूँ हमने एक लाइन सेगमेंट या रे बी एम ड्रॉ करी। अब ये कितना है 5, तो बी से हम 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर का, ये देखिए 5 आ गया, आपको दिख रहा होगा आराम से, देखो ये ना 5 पर रखा हमने और 0 तक आ गया, 5 सेंटीमीटर का आर्क कहाँ से लगाना है, सॉरी मेरी कंपास गिर गई थोड़ा सा, बी से है ना, हाँ ये 5 है, मैं चेक करा था नीचे अभी छूट गई थी ना, 5 ही है, तो बी से 5 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर का लगा दिया आर्क और ये पॉइंट हो गया ए और ए को सी से ज्वाइन करा, ज्वाइन ए टू सी, ओके तो ये तो ट्राइंगल बन गया ए बी सी, ये मैंने लिख दे रहा हूँ, ये 5 था ये 6, इसकी कोई जरूरत नहीं, अब तो पता है रट गया कैसे, क्या करेंगे एक्यूट एंगल बना के हुई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें बी से, तो हमने बी से एक एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी और ये भी रट गया, मैं इसको ज़्यादातर एक्स नेम देता हूँ, आप लोगों को वीडियो देख रहे हो तो समझ होगी और कुछ बच्चे कह भी होंगे सर बी एक्स देंगे इसे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बी एक्स। अब 3/4 क्या बताया था, जो नंबर बड़ा हो, कौन सा बड़ा है 4, तो हम क्या करेंगे कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेंगे और 4 आर्क लगाएंगे, जो भी नंबर बड़ा है 3 हो या 4, मतलब नोमिनेटर का बड़ा हो चाहे डिनोमिनेटर बड़ा नंबर, बी पर रखा फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, थर्ड आर्क, रेडियस सेम होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए गड़बड़ जाएगा, तो इसको नेम कर देते हैं B1, B2, B3, B4। फिर क्या बताया था, नोमिनेटर में है, सॉरी उल्टा हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है B4, B4 को C से मिलाएंगे, इसमें कन्फ्यूजन है, बहुत से बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि B3 को 4 C से मिलाना है कि 4 को, तो कुछ नहीं सोचना है, और ये भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सम करना है, सम करते हैं लाइन सेगमेंट में ट्राइंगल में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो भी नंबर बड़ा है उतने आर्क लगेंगे, फिर अपॉन में जो भी हो B4 है मतलब 4 है तो 4 वाले पार्ट से लास्ट वाले पॉइंट को मिलाना है, 4 वाले पार्ट से लास्ट वाले पार्ट को ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दिया, ओके। अब कौन सा रेशो बचा, 3 ऊपर B3, तो B3 से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना भी बहुत सीख गए, कल से यही काम कर रहे हैं, मतलब पिछले वीडियो से वो कर, पिछली वीडियो में कल ही डाली थी इसलिए मैं कल निकल रहा है मुझसे, देखो ये कोई भी आर्क लो, एक आर्क लगा दो और जिसके पैरेलल करनी है B3 करनी, तो B3 से सेम रेडियस से एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम ही बैठ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सेम ही बैठ रहा है, फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, अब देखो मेरा आर्क छोटा पड़ गया तो नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा लगा देता हूँ B3 से, बढ़ा देता हूँ आगे, है ना, इस पॉइंट को किसको B3 को और इस पॉइंट से मिला दो और ज्वाइन कर दो,
तो ये लाइन इसके पैरेलल हुई, इसी है, तो हमने इसको सी डैश नेम दे दिया। अब सी डैश से सी ए के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, सेम वही कंडीशन, कंपास में मैंने चेंज कर दी डिस्टेंस, सी पॉइंट लिया और ए आर्क लगा दिया। ओके, अब सी डैश से भी सेम रेडियस का आर्क लगाया। अब क्या करे थे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सी से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस ली कौन सी, कॉपी साफ दिखा देता हूँ मैं, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी है इस आर्क से यहाँ लगा लो, हो गया, बस हो गया। तो हमें किससे ज्वाइन करना है, सी से, सी डैश से, सॉरी सी डैश से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये इसके पैरेलल है और इसको नाम दे दो ए डैश। तो ये छोटा सा ट्रायंगल, ये मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ये जो ट्रायंगल होगा इस वाले ट्रायंगल की ई साइड्स का 3/4 होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश, जो सी डी वाला है ना छोटा सा, ए डैश बी सी डैश इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, हो गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि ये सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा था, लेकिन ये एंगल देख के नहीं, चलो अगर एंगल हुई हो ये मैं हिसाब से लिख दूँ 100 पाई, इस वजह से मैं इसे और कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने आप करना, थोड़ा सा कर दूंगा थोड़ा आप करोगे। देखो ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी, साइड्स बी सी, तो है क्या, हमें एक बी सी दे रखी है साइड्स 45 डिग्री है ना, और सॉरी साइड है एंगल लिख दिया ना 7 सेंटीमीटर, और एंगल भी 45 डिग्री दे रखा है, और ए दे रखा हमें 105 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल बनाना है, फिर ट्राइंगल की बात तो वही है, 4/3 टाइम्स एक सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड्स 4/3 टाइम्स हो इस ट्राइंगल के ए बी सी के। तो वही बी सी करते, सबसे पहले बेस बी सी 7 सेंटीमीटर, ये हो गया बी सी 7 सेंटीमीटर, 7 था 6 ले लिया, 7 ही। ओके, बी सी 7 सेंटीमीटर, बी एंगल कितना है 45 डिग्री, तो बी सी हम 45 डिग्री बनाएंगे, 45 डिग्री थोड़ा टाइम लगेगा, 90 का बाइसेक, तो पहले 90 डिग्री उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, तो 45 डिग्री। तो देखो ड्रॉ करें, जिसको एंगल नहीं आते अगर किसी को भूल गया हो तो चेक कर लें दोबारा से, इसमें बहुत सारे एंगल बनेंगे। देखो ये बनाते हैं इस पॉइंट पर करता है, ये सबसे पहले बनता है 60 डिग्री का एंगल, अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें तो 60 से पहले क्वेश्चन बनाया था। अब 60 एंगल जहाँ इंटरसेक्ट करा वहाँ से एक आर्क लगाओ, ये बनता है 120 का, मतलब बी से इसको ज्वाइन कर दें 120। अब इन दोनों पॉइंट से एक ऊपर आर्क लगाएंगे यहाँ, और इसी पॉइंट से यहाँ, और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट एंगल बनता है 90 डिग्री, और 90 के लिए इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया 90, ये अब बनाते 60, 120। इस वाले क्वेश्चन सारे एंगल बना सीख जाओ, क्योंकि 105 भी आएगा। खैर छोड़ो, अब हमें 45 बनाना है, तो 45 क्या होता है 90 का हाफ, तो 90 एंगल का यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से और यहाँ से हाफ से अधिक डिस्टेंस लेके आर्क लगाओ, एक आर्क यहाँ से लगेगा और एक आर्क इस पॉइंट से, ठीक है ना, बस बन गया। बी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, बी को इस पॉइंट से आप ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो, ने बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल हुआ यहाँ से यहाँ तक ये हुआ 45 डिग्री, इसको कुछ नाम दे दो, बी एम दे दिया मैंने, क्योंकि अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे, जब लिखोगे स्टेप, ओके ठीक है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ओवर हो गया है ना, खैर जो भी है आपको ठीक बीचों बीच लगानी है, रात का मैं रात को वीडियो शूट करता हूँ, अब चश्मे में लाना भूल गया हूँ कमरे में तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है। ओके चलो आप समझिए ना, इसको ज्वाइन करते हुए अब यहाँ से यहाँ तक बी ए कितनी दे रखी है, बी ए नहीं दे रखी, बी ए नहीं दे रखी, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ तो इसमें ये अच्छा बहुत ही काफी सवाल हो गया, तो देखो हम पहले एंगल सी निकालें, क्योंकि हमें बी ए तो मालूम नहीं है, अगर इसमें बी ए दी होती मान लो 7 सेंटीमीटर, हम 7 सेंटीमीटर आर लगा देते, ए हो गया ए से सी मिला देते, तो हमें बी ए नहीं मालूम, तो एंगल प्रॉपर्टी देखो यहाँ से हम पी नो डैट
यहाँ दिख रहा हूँ मैं, ये निकालना पड़ेगा आपको। ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ए हमें कितना दे रखा है 105 डिग्री, बी कितना दिख रहा है 60 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल 180। ये कितना हो गया दोनों का सम 165 प्लस एंगल सी इज इक्वल 180, तो एंगल सी इज इक्वल 180 माइनस 165 कितना हो गया 25 हुआ, गलत कर दिया 15 होगा, 15 है ना, 15 डिग्री। अब 15 हमें ड्रॉ करना है, हालांकि 15 हम कंपास से कर सकते हैं एंगल सी। चलो मैं कंपास से ही करने सिखाऊंगा, डायरेक्ट बनना प्रोटेक्टर था ही, चलो कंपास से सिखाते हैं, आप सीख जाओगे इस बारे। तो देखो 15 क्या होगा 60 का हाफ 30 का हाफ 15, तो हम 15 डिग्री का एंगल बनाएंगे सी पॉइंट से। ओके, अगर हमें बीए दिया होता तो बहुत इजी हो जाता, लेकिन इन दिस क्वेश्चन बीए इज नॉट गिविन, सो वी विल ड्रॉ 15 डिग्री 45 ओहो सॉरी 15 ये तो 45 है, यहाँ मैंने 60 लिख दिया, मैं वही देख रहा था 15 आ गया, लेकिन 15 डिग्री भी हम कंपास से बना सकते हैं ना। पहले तो ये से करेक्शन कर दें, फिर 15 डिग्री कैसे होता है वो भी डिस्कस करेंगे। 45 था है ना, मैंने 60 लिख दिया 45, तो ये कितना हो गया, ये थोड़ा मैंने गलत निकाल दिया 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 150, तो सी इज 30 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री बनाए, और 30 क्या होता है 60 का हाफ, तो अब सी पॉइंट से हमें बनाना है 30 डिग्री। तो एक आर्क लगाओ, थोड़ा कम कर ले रहा हूँ इसे, ओके आगे जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 30 बनाना है। तो यहाँ से एक आर्क लगाया, ये क्या हो गया 60, अगर हम इस लाइन को इससे ज्वाइन करेंगे 60, और 30 क्या होता है 60 का हाफ, तो यहाँ से एक आर्क लगाओ और इस पॉइंट से यहाँ से एक आर्क लगाओ, ओके ये हो गया 30 डिग्री। इसको ज्वाइन कर दो सी को, और इस ये समझ मांग लें, ये तो 30 60 था, और यहाँ से आर्क लगाया, तो इसका हाफ हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। और इसको जहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट होगा ए, जब आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो 100% 105 डिग्री आएगा। ओके क्लियर, अब बात चली थी अगर बाइसन 15 होता तो कैसे होता है ना, समझाए थे 15 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक तो हमें कमना है 30, और 30 का भी हाफ यानी कि एक आर्क यहाँ से लगाते और एक आर्क यहाँ से, हालांकि इसे मैं रेज कर दूंगा अभी आपको समझाने के लिए, 15 कैसे बनेगा हाफ है 60 का हाफ 30 का हाफ, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला देते 15। ओके लेकिन यहाँ 15 की जरूरत नहीं है तो इसे मैं हटा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो क्या हुआ ट्रायंगल बना, अब सिर्फ वही आपको रट गया अभी 4/3 तो बताया था, अच्छा मैंने नीचे कर लिया नो प्रॉब्लम, आपको तो मैं थोड़ा कम कर लिया, इसको ऐसे कर लिया एक्यूट एंगल है कितना ही बना सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करी थी फिर आप समझ गए क्या नाम दूंगा मैं इसे, क्या कह रहे हो बी एक्स, बिल्कुल सही कह रहे हो बी एक्स। अब न्यूमिनेटर बढ़ा कि डिनोमिनेटर, क्या निकालो कौन सा नंबर बढ़ा है 4, तो कितने आर्क लगाएंगे, बिल्कुल सही दिमाग में आंसर आ रहा है 4 लगाएंगे। बी से 1 आर्क कुछ ज़्यादा बड़ा आर्क ले लिया मैंने, सेकंड आर्क कुछ ज़्यादा बड़ा ले लिया है, थर्ड आर्क जो उसमें आगे बड़ा ही ले लिया है, फोर्थ आर्क नो प्रॉब्लम, 4 आर्क लगा दिए, इनकी नेमिंग कर दो B1 B2 B3 एंड B4। अब B4 को मिलाएं कि B3 को किसको मिलाएंगे, क्या था डिनोमिनेटर में जो था, डिनोमिनेटर में क्या 3, तो B3 को लास्ट पॉइंट से यानी कि C से मिलाएंगे बेस के, तो B3 को C से ज्वाइन करेंगे, कहाँ गया B3, ये रहा मैं देख लूँगा ठीक से, ठीक है ओके। अब B4 से इसके पैरेलल, तो पहले इसको हम बढ़ा दें, जब लाइन अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो हमें ये दोनों लाइन बढ़ानी पड़ेंगी, डिनोमिनेटर छोटा है तो साइड्स क्या है दूसरे ट्रायंगल के साइड से बड़ी, बड़ी है तो बाहर आएंगे ट्रायंगल से, और ये तो बड़ी हुई है ऑलरेडी, ये तो है ये तो बड़ी है नो प्रॉब्लम। अब बी फोर से इसके पैरेलल, पैरेलल लाइन भी आप अच्छे से सीख गए हो, अब मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया 11:30 बज रहे रात के, ये लो किसी दिन मैं दोपहर में बनाने की कोशिश करूँगा, सेट भी नज़र नहीं आएगा आपको पृथ्वी ना, रात में लाइट जलती है दो दो तो आपको सेट भी नज़र आता होगा सामने दिखता होगा, ये आर्क कैसे दिया हमने B4 से सेम डिस्टेंस से ये आर्क लगाया।
अब क्या आप समझ गए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों आर्कों के बीच की दूरी, तो यहाँ से इसको कम करें थोड़ा, ये है ठीक है, बढ़ गया ठीक है, और यहाँ से एक आर्क लगाया, ओके थोड़ा सा इसको ये ओके आ गया, तो बी फोर इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा आप दिख जा भाई, तो ये पॉइंट हो गया सी डैस, इसके पैरेलल लाइन है सी डैस। अब सी डैस से इसके पैरेलल सी ए के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, सिर्फ वही कंडीशन, इसमें ऑलरेडी देखो हम एक काम और कर सकते थे, एंगल सी हमने कितना बनाया था, एंगल सी जरा 30 डिग्री, तो डायरेक्ट 30 डिग्री ना तो सी पर, तो पैरेलल लाइन होगी ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, तो चलो 30 बना देता हूँ, समझेंगे ना, देखो सी ये एंगल हम इसके इक्वल एंगल बनाते हैं, तो सी पर 30 डिग्री बना लो, या वरना आप ऐसे एक ही तरीका सीखना चाहते लो, ये आर्क तो मैं वो वाला ले रहा हूँ, ये लिया सी से हमने वो आर्क ले लिया, 30 में 60 बनाओगे फिर 30 करोगे हाफ करोगे, ये वो वाले तो ये लोग ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी आर्क तक की ठीक है ना, तो यहाँ से ये हम वही काम तो करते हैं, ये हम क्या कर रहे थे इक्वल एंगल बनाते हैं, तो सी पर वही था 30 था 30 इसलिए इक्वल, मैंने आपसे उसी सेम मेथड से कर दिया, मैं तो भूल गया कहाँ चला गया पॉइंट, ये है सी डे सॉरी ये है सही है, और इसको मिला दो, तो ये जो पॉइंट आएगा ए डैस, तो ट्राइंगल बन गया, कौन सा बड़ा वाला, देखो ए डैस बी सी डैस, तो हो गया ट्राइंगल ए डैस बी सी डैस इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेनियस आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, बाकी तो वही है 5.3, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, ऐसे कुछ भी नेम दे दो, ए बी सी ये राइट एंगल है, हाइपोटेनियस के अलावा यानी कि परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, एक 4 सेंटीमीटर दे रखा है एक 3 सेंटीमीटर, ओके क्लियर बनाते हैं, और ये होमवर्क भी रहेगा, आधा काम मेरा आधा काम आपका, तो सबसे पहले बी सी ड्रॉ करते हैं हम, बी सी ड्रॉ कितना, बी सी कितना है 4, इसको मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, बी सी 4 ओके। अब 90 डिग्री एंगल मैंने बनाना सिखा दिया था, कुछ बच्चे भूल गए हैं तो सीख लो, ये लो 90 डिग्री एंगल बनाए, क्या करते हैं अब यहाँ से आर्क लगाएंगे, ये 60 का हुआ, फिर 60 से जहाँ लगाए एक ऊपर लगा दो, ये 90 के लिए जा रहा है और यहाँ लगाओ, ये हुआ 120 का, मतलब बी सी इसको मिलाएंगे तो 120, अब इस पॉइंट से इसको मिला दो, ये 90 डिग्री हो गया, और मैं इस पर वीडियो मैंने बिल्कुल नहीं बोला, 9th की वीडियो मैंने कंस्ट्रक्शन बनाई थी, जब मैंने बताया था ये यूज नहीं करनी है आपको, केवल पेंसिल यूज करनी है, ये तो मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ आपको डार्क दिखाई दे, अगर ये कंपास में आ जाते मैं इसी से आर्क लगा था, कंपास में आई नहीं, मैंने बहुत तेरी कोशिश करी कंपास टूट गई, ओके तो ये हो गया बी है ओके 90 डिग्री, अब ये कितना है 3, तो 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, भैया एक तो कंपास मेरा कोई बच्चे ही ले गया, ये तो सही है, यूट्यूब चैनल से आप लोग हाथ डाल के निकाल नहीं सकते, मान लो बच्चे कंपास ही निकाल लें यहाँ से, तो देखो ये हो गया 3, तो बी से लगाया और ये कितना छोटा सा प्यारा सा ट्राइंगल बनाया, और ये पॉइंट हो गया ए, और ये कितनी है 3, तो हमने सी को ए से ज्वाइन कर दिया, ओके तो ट्राइंगल तो बन गया, अब हमें क्या करना है, चलो बना देता हूँ, अब तो आप लोगों को रट गया, वैसे अपने आप करोगे, एक इससे मैं एक और लाइन दे देता हूँ, अब क्या करो बन जाएगा ना, ये भी पता है बी एक्स छोटा बड़ा कौन सा है 5, तो समझ गए 5 आर्क लगाएंगे, अब मैं अपने आप करोगे, इसके आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ रफली, 1 आर्क 2 आर्क 3 आर्क 4 आर्क 5 आर्क नेम दे दोगे, B1 B2 B3 B4 B5 और अपॉन में क्या है 3, तो फिर क्या करेंगे P3 को C से ज्वाइन करेंगे, अब क्या B5 था तो 5 से इसके पैर इसको हम बढ़ाएंगे आगे है ना, समझ गए अपना ये आगे बढ़ाओगे B5, तो एक आर्क लगाएंगे एक आर्क यहाँ लगाएंगे, डिस्टेंस लेकर आर्क लगाएंगे, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे ये सी डैश, फिर सी डैश से ए के पैरेलल ड्रॉ करोगे, वो कैसे यहाँ से आर्क लगाओगे, यहाँ से आर्क लगाओगे कट कर दोगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा ए डैश, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा
ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, है ना। तो मैंने केवल राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है इस वजह से मैंने ये ड्रॉ करा कि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट भूल गए हो, तो नो प्रॉब्लम, इसलिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, भूल गए तभी तो देख रहे हैं, हमें नहीं आता इसलिए हम सीख रहे हैं। तो हमने आज ये सिखाया, ये आप पूरा फेयर करोगे, लेकिन आधा मैंने करा था आधा पूरा, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर में, हाँ, यानी एक्सरसाइज पूरी होगी आपकी, अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसको फिर किसी दिन उसकी वीडियो ना के डालेंगे, उसमें हम टेंजेंट सीखेंगे, और टेंजेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बोर्ड में, ज़्यादातर टेंजेंट्स में या ट्राइंगल का आता है, लाइन सेगमेंट का भी कम आता है, ये ट्राइंगल का अक्सर आता है, हर साल करीब करीब इसी में से आ जाता है। तो आपकी बोर्ड के एग्जाम बहुत नज़दीक है, अब तो बहुत ही नज़दीक हो गए, 15-20 दिन समय रह गया बस आपका, तो खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, और अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो समझ गए, हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।